ऐसे चटपटे मसालेदार आलू बनाएं, चाहे आप इसे सफर में ले जाएं या टिफिन में दें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे और घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए आलू, हमने 1 किलो आलू लिए हैं। इसको मैंने कुकर में 1 विसल में उबाल लिया है। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, जिसे हम छू सकते हैं। देखिए ज़्यादा बड़े आलू नहीं हैं, तो हम पहले तो सभी आलूओं को छील लेते हैं। देखिए सभी आलूओं को छील लिया, अब इसको हम काट लेते हैं। पहले हम इसके 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग करने के बाद हम आधे में से 1 भाग और करेंगे और इसको हम छोटा छोटा काट लेते हैं। देखिए उबलने की वजह से ये थोड़े से चिपक जाते हैं, सभी आलूओं पे अच्छे से मसाला कोट हो तो हम इसे खोल भी देते हैं। सभी आलू को इसी ढंग से छोटा छोटा काट कर तैयार कर लें। आलूओं को हमने ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटा है, छोटा छोटा काट कर तैयार कर लिया है। अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, छोटा पैन, और गैस को ऑन कर लिया है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 4 सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, ये कम तीखी वाली है, आप चाहे तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं। पहले हमने अच्छे से भूनना है। देखिए खुशबू आनी शुरू हो गई है कुछ सेकंड के बाद ही। अभी हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। पैन गर्म है, ये इसी में थोड़ा सा भुन जाएगा, इसकी नमी खत्म हो जाएगी। देखिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा ठंडा कर इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा पीसना है। हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसे गरम कर लेंगे। जैसे ही गरम हो जाए 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हींग, 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा, अच्छे से फूलने दें। देखिए 1 प्याज को हमने पतला और लंबा काट लिया है, वो डाल देते हैं। जब हम प्याज का वाइट भाग हटाते हैं तो ये अपने आप ही फूलने लग जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। हमने ली थी इमली, नींबू के साइज की मैंने इमली ली थी, ये बीज वाली इमली है। थोड़े से पानी में भिगो दिया था, अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जब हम इसे डालेंगे ना, तो छन्नी से छान के डालेंगे। जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना प्याज, तो हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिनको हमने छोटा छोटा काटा है। देखिए मिर्ची है जो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अगर हम मिर्ची को थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो उसका तीखापन कम हो जाता है और स्वाद बढ़ जाता है। अब डालेंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा चला देंगे। इसमें जो हमने इमली भिगोई हुई है ना, उसको हमने छान कर डालना है। देखिए इसके साथ ही खूब सारा हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरी करी हुई काली मिर्ची फ्रेश 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लें। जो हमने मसाला भुना था ना, उसको हमने पीस लिया है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए दरदरा पीसा है, तभी इसका पूरा फ्लेवर आएगा। अब आलू डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस को स्लो कर देंगे, 4-5 मिनट ढक देंगे, जो मसाला है अच्छे से समा जाए आलू में। 4-5 मिनट हो गए इसे पकते हुए, अच्छे से चला दें। देखिए बनकर तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे। आप चाहे इसे चपाती के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं या परांठे के साथ। आप चाहे इसे पिकनिक पे भी लेके जाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे, या सफर में लेके जाएं। आप इस तरह से आलू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।